लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद सत्येंद्र जैन बीमार है। सोमवार को उन्हें सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया। इसी दौरान अस्पताल से उनकी एक तस्वीर भी सामने आई। तस्वीर में वो काफी दुबले पतले दिख रहे हैं। सत्येंद्र जैन की हालत को देखकर अब राजनीति शुरू हो गई है। सत्येंद्र जैन की तस्वीर को ट्वीट करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, सत्येंद्र जैन जी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बीजेपी सरकार के अहंकार और जुल्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेगा। इस संघर्ष में जनता हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। हम सरदार भगत सिंह जी के चेले हैं। जुल्म, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि पिछले साल मई से ही तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन को लेकर केजरीवाल बार बार कहते रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बेहतर काम करने की वजह से केंद्र सरकार ने झूठे मुकदमों में उन्हें फंसाया है। हाल ही में सत्येंद्र जैन के वकील ने दावा किया था कि उनका वजन 35 किलो घट गया है और वो कंकाल की तरह हो गए हैं। सत्येंद्र जैन की हालत को लेकर आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी के लोग खूब ताली पीटो, खूब जश्न मनाओ, लेकिन याद रखना ये वही शख्स है जो खुद कोरोना संक्रमित हुआ, इनके पिता की मृत्यु हुई, लेकिन दिल्ली के लोगों की सेवा में पीछे नहीं रहा। सत्येंद्र जैन की जान लेना चाहती है बीजेपी, इतनी भी क्रूरता अच्छी नहीं है मोदी जी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जेल में सत्येंद्र जैन की मालिश और बाहर का खाना खाते हुए तस्वीरें सामने आने पर बीजेपी ने आप सरकार की घेराबंदी की थी। तब आप की ओर से दावा किया गया था कि सत्येंद्र जैन बीमार हैं और डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें फिजियोथेरेपी दी जा रही है।